At a time when a heart-wrenching human tragedy of unimaginable proportions is unfolding, with so many people dead, so many people still stranded in a desperate situation, feeling utterly helpless, there are people who have decided to make a quick buck by exploiting this tragedy and fleecing the helpless, stranded people. Take a look at this shocking story. और एक हमारे पास में है और सांतो के पीछे उनका एक रह गया तो पीछे उनको लूट लिया छोटा चाकू बता सबके लूट लिया आगे पीछे रहने मिलने में आपके सामने लूट मार हुई आप लोग कुछ नहीं कर पाए कहीं कर हथियार के सामने क्या करे मनुष्य मेरे वहाँ ग्रुप में 400 जने थे 500 जने थे उनमें से 200-150 तो उसी टाइम मर गए थे उनमें से कुछ बचे जिनको हेलीपैड वालों ने यहाँ कल शाम को लाके छोड़ा बस जहाँ से हमें होटल में जाके मौसम साफ है मौसम अच्छा है सही है कोई प्रॉब्लम नहीं मौसम में अब मेरे साले जिन वो भी फंसे हुए हैं अब जिंदे हैं कि मरे क्या पता वो पता ही नहीं चल रहा है वो नहीं आ पाए मेरे साथ में मैं उतर के उधर उनको आदमी को करा भाई चलो तुम उनको निकाल के लाओ कैसे भी करके 2000 रुपये दिए वो भी आदमी वापस नहीं आया एक ने कहा 3000 लूंगा वो भी वापस नहीं आया मजबूरी का फायदा बिल्कुल उठा है जहाँ पे समझो 1000 रुपये लेते तो सीधा वो 3000-4000 रुपये मांगने लगे टैक्सी वाले भी बहुत परेशान हुए हम सारे जेब के पैसे भी खत्म हो गए आखिर में तो कपड़े बेच के आने की नौबत आ गई थी हमारी क्या करेंगे मजबूर थे हम भी परेशान थे वो 250 रुपये में एक पराठा बेच रहे हैं खाने के लिए 200 रुपये में पानी की बोतल बेच रहे हैं नथिंग एल्स हाँ ये कुछ लोगों ने कॉलर से मेरे को बताया था कि जो नेपाली लोग हैं जो लेबरर्स हैं दे आर कमिंग एंड लूटिंग अस चेन्स वगैरह तो वी हैव पुट इन अ पार्टी और सब जगह हम चेकिंग कर रहे हैं यस्टरडे अराउंड 1 करोड़ हैज बीन रिकवर्ड